सचिव केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा जी से आग्रह करूंगा कि वो संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करें। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य उसमें उपस्थित। फ्रेंड्स, टुडे वी हैड अ नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी विच वॉज चेयर्ड बाय श्री अमित भाई शाह, द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वॉज देयर इन द मीटिंग, ही वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड ऑल द पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। अ रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द पार्लियामेंट्री बोर्ड। द मेन पॉइंट्स विच वॉज डिस्कस्ड एंड which is there in the draft of the parliamentary board. Significantly, first of all, the parliamentary board thanks the voters of Tripura, Nagaland and Meghalaya for the overwhelming support that they have given to Bharatiya Janata Party and its allies. Parliamentary board dhanyavad deti hai Nagaland ke, त्रिपुरा के, नागालैंड के और मेघालय के मतदाताओं को, जिन्होंने जो अटूट विश्वास और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी, उसके फ्रेंड्स, उसके एलाइज उनको दी है, उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद देती है। द विक्ट्री इन त्रिपुरा हैज बीन अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री। द बीजेपी एंड द आईपीएफटी हैव सिक्योर्ड 2/3 मेजॉरिटी, दो तिहाई मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी ने मिलकर के हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन भी हासिल की है और कुल मिलाकर के बीजेपी एंड इट्स एलाइज पॉपुलर वोट का 50% से अधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज ने लिया है। यह एक तरीके से दिस इज अ डिफीट टू वायलेंस and it is the victory of the power of democracy. ye prajatantra ki taakat ki jeet hai. party ko absolute majority apne saathi partiyon ke saath mil kar ke nagaland aur meghalaya mein bhi hasil hui hai aur hum confident hain ki hum wahan bhi sarkar banayenge. ye sab aadarniya pradhanmantri ji ka jo relentless effort hai, the relentless effort of prime minister for the development of northeast, isko ye pratilakshit karta hai ye natija. Aur northeastern states ke development commitment hai usko bhi ye darshata hai. The party committed hai to dedicate itself for the development of northeast. Is baat ko hum logon ne kaha hai aur sath hi sath this vote is for stability, for peace and for development. And we stand committed for peace, stability and development, जिसके लिए हम लोगों को इस वोट मिला है। साथ ही साथ एनडीए गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फेडरलिज्म के प्रति जो डेडिकेशन है, वह भी हमको स्पष्ट रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखता है। द डेडिकेशन फॉर फेडरलिज्म, जो हाई स्टैंडर्ड्स एनडीए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिखाए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अवर डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उसका भी यह सबसे बड़ा उदाहरण है जिसको हमको देखने को मिलता है। एंड पार्टी डेडिकेट्स इटसेल्फ विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड वी आर कमिटेड फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फॉर विच वी स्टैंड। ये प्रस्ताव आप सबको मेल हो जाएगा जो हम लोगों ने संसदीय बोर्ड ने जिसे पास किया है। जहां तक आने वाले समय में नेतृत्व के चुनाव का विषय है और बाकी सारी चीजों का विषय है, उसके लिए त्रिपुरा में हमारे नितिन गडकरी जी पर्यवेक्षक के रूप में जाएंगे और उनके साथ हमारे मंत्री जुएल राव जी, वो त्रिपुरा में जाने वाले हैं, ऐसा संसदीय बोर्ड ने तय किया है। साथ ही साथ नागालैंड में मैं जाऊंगा
और मेरे साथ हमारे पार्टी के महामंत्री अरुण सिंह जी नागालैंड में जाएंगे और मेघालय में हमारे अपने एमओएस होम रिज्जू जी और उनके साथ अल्फोंस हमारे स्टेट मिनिस्टर, वो दोनों मेघालय में पर्यवेक्षक के रूप में जाएंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड ने तय किया है। वहाँ के स्थानीय पार्टी के लोगों से बातचीत करके वहाँ मीटिंग कब बुलाई जा सकती है इसको तय करके सभी पर्यवेक्षक अपने अपने स्टेट्स में जाएंगे और वहाँ उन डेलिब्रेशंस को पूरा करेंगे, ऐसा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जैसा स्टेट्स की तरफ से अभी इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, स्टेट्स की तरफ से उनकी कार्य समिति और बाकी सब लोग कब इकट्ठे हो सकते हैं, एमएलएस कब आ सकते हैं, उसकी सुविधा को देख करके जो हमारे पर्यवेक्षक हैं वो स्थानीय निकाय इकाई से बातचीत करके इसको तय करने। अरुण सिंह जी इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, ही विल बी गोइंग अलोंग। के आर अल्फोंस, जेपी नड्डा और अरुण सिंह जी जाएंगे नागालैंड में। थैंक यू।